हे आप देख रहे हैं एप्पल फार्मिंग का यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे रेड डिलीशियस वेराइटियों की। दोस्तों एप्पल एक ऐसा पौधा है जिसे हाइट के हिसाब से लगाना बेहद ज़रूरी है जिससे हमें अच्छी फसल मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे लोअर हाइट की, जिसमें आपको कुछ चुनिंदा वेराइटियों को लगाने का सुझाव दिया जा रहा है। दोस्तों इसमें 4000 फीट से 6500 फीट की हाइट में आप जेरोमाइन को लगा सकते हैं, रेड विलॉक्स को लगा सकते हैं। दोस्तों किंग रॉट इस हाइट पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एडम अपने लंबे आकार के कारण बागवानों के बीच काफ़ी मशहूर हो रहा है। दोस्तों सुपर चीफ इस हाइट के लिए काफ़ी बेहतर वैरायटी है। स्कारलेट स्पर 2 को आप इस हाइट में लगा सकते हैं और स्कारलेट इवासनी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। न्यू वैरायटी में आप मेमोमिस्टर 2284 की तरफ जा सकते हैं और फेंजार्ड को भी लगा सकते हैं। बागवान भाइयों, आजकल जो वैरायटियों की अंधी दौड़ लगी हुई है, कृपया आप इस मायाजाल में ना फंसे और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके अपने हिसाब से वैरायटियों का चयन करें। तो आइए अब बात करते हैं मिडल हाइट की, जिसमें 6500 फीट से 7500 फीट की हाइट में आप लगा सकते हैं रेड कान को लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आप लगा सकते हैं अर्ली रेड 1 और हम आपको सजेस्ट करेंगे वाशिंगटन स्पर, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा बनता है। दोस्तों इस हाइट में रेड कैप वाल्टोट के भी काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। बागवान भाइयों, मेमोमिस्टर साइज़ और कलर के हिसाब से इस हाइट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं भारत में निर्मित पहली वैरायटी एप्स की। जी हाँ दोस्तों, कोटखाई के प्रगतिशील बागवान श्री प्रेम चौहान जी की लगन और मेहनत का यह नतीजा है, जो भारत की अपनी वैरायटी विदेशी सेब को टक्कर देती नज़र आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अपर हाइट की, इसमें 7500 फीट से 9500 फीट और इससे ऊपर की हाइट में आप हेपके को लगा सकते हैं। दोस्तों एस पर इस एलिवेशन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बागवान भाइयों, ऑर्गन स्पर 2 इस हाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोती एप्पल को आप यहाँ लगा सकते हैं। वाशिंगटन रेड डिलीशियस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है और स्कारलेट स्पर 3 को भी आप इस हाइट और एलिवेशन में लगा सकते हैं।